गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बोलो अभी आपको क्या बोलना है? बोल रहा है बोलो। हम आगे बाबा को इतना नहीं बोलेंगे, हम आगे बाबा को प्यार करेंगे। शितू ये सुन, ये कौन मारा? बाबा मारा? बाबा मारता नहीं बेटा, बाबा प्यार करता ना। छोलू के मैं, जैसे आप टाइटल से समझ चुके हैं कि ये हमारा पहला करवा चौथ है। हमारी जो वाइफ है रानी, तूने अभी तक कितनी बार रखा करवा चौथ? एक बार। चल तूने एक बार तो रखा है, मेरी ये पहली बार है। मैंने इससे पहले भी उपवास वगैरह रखे, यानी हमारे शादी के टाइम उपवास रखा था और रोजा वगैरह रखे, लेकिन करवा चौथ की ये पहली बार ही है रागनी। लेकिन अपन जाएंगे कहाँ पर चांद देखने के लिए? घर में चांद दिखते हैं, दरवाजे से देखेंगे ना, घर के अंदर से कैसे देखेंगे? उसमें क्या, दुनिया में अपन ही थोड़ी है जो रख रहे करवा चौथ, करोड़ों लोग रखते हैं। हिंदुस्तान में कब से चल रहा है। शर्माने का क्या है उसमें? आपके बलून का नाम क्या है? आपके बलून का नाम क्या है? शितू आपके बलून का नाम क्या है? हाँ तेल गिर जाएगा बेटा इधर। आप क्या क्या लीजिएगा? मैं कुछ ले लूंगा, मेरा क्या है? मेरा तो यही सब कैमरा वैमरा, लैपटॉप, यही सब है मेरे पास। यूट्यूब का जो भी सामान है मैं लेते रहता हूँ, तो मेरे लिए अलग से कुछ नहीं है। जो भी है तुम लोग के लिए दिवाली का, मतलब दिवाली को कपड़े भी नहीं लेने वाला इस बार, नहीं प्लान किया है, नहीं ले लीजिएगा। मैं क्या लूंगा, मेरा तो कुछ ना कुछ लेते रहता हूँ मैं साल भर। इधर मिल गया, कभी बाहर कुछ घूमने गया अकेले, वहाँ कुछ दिख गया ले लिया, यहाँ कुछ दिख गया ले लिया। बेटा ऐसा मत बैठिए, अब ऐसा बैठोगे तो डैडी सर पे तेल कैसे डालेगा? ऐसा बैठिए। बच्चा पार्टी का नाना तो हो गया भाई, हमारी मम्मी ने उन्हें नहला दिया और अभी टाइम है उस बच्चा पार्टी को खाना खिलाने का, क्योंकि उसने नहाने से पहले बोला था डैडी खाना खाना है, भूख लगी है। लेकिन तभी उसकी मालिश चल रही थी, तो मैंने बोला फिर क्या खिलाएंगे, इसलिए अभी उसको थोड़ा दाल चावल और सूरन का सब्जी, ये सूरन की भाजी है ना, हाँ ये दाल राइस और ये सूरन वाली प्यारी प्यारी सब्जी। और बच्चा पार्टी गई है नीचे, उसको लगा डैडी बिजी है दाल चावल सब्जी लेने में, तो भाग जाओ ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। अभी हो गया ना खाना, बस किशु बेटा चलिए ऊपर, धूप है। कृष्णा चलिए ऊपर, जब तक मैं जानता हूँ आपको चिल्लाऊंगा नहीं तब तक आप सुनोगे नहीं। चलो चलो बेटा ऊपर चलो, ये देखो डैडी का हाथ कैसा गंदा। चलिए चलिए टुल्लू राम। हमारे बड़े भाई ने जिद पकड़ी है भाई कि उनको चाहिए समोसा वड़ा पाव, तो जा रहे बाहर। हमारे भाई ने कोक बोला था, कोक तो नहीं मिला भाई हमको, पेप्सी मिला आधा लीटर का। और वड़ा पाव के लिए थोड़ा दूर आया हूँ मैं, यहाँ मस्त गरम गरम ताजा ताजा वड़ा पाव पार्सल लेके। घर पे बच्चा पार्टी भी है, बच्चा पार्टी भी खाएगी, एंजॉय करेगी। ये लो, और डैडी को बोलो कोको कोला कहीं पर नहीं मिला, ठीक है? और उसमें 6 वड़ा पाव, जाओ सब लोग खाओ। शीतू को भी दो, एक शीतू को लाके दे दो ना नीचे, ठीक है? जाइए। अभी बाहर से आया हूँ मैं और इतनी खतरनाक वाली प्यास लग गई है मेरे को, इतनी खतरनाक वाली मैं बता नहीं सकता। बहुत बोलिए तो बहुत खतरनाक वाली प्यास। क्या अभी नहाने तो जा रहा हूँ ना मैं, कुल्ली क्या कर रहा है अभी इतना रखा तो उसमें क्या है? मैं जब जो हो रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। हम लोग इसी को तो बोलते हैं, जो फील कर रहा हूँ मैं, उपवास रखा है तो क्या है, क्या चल रहा है मेरे दिल दिमाग में, कैसा लग रहा है मुझे, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं। उपवास में ऐसा लगता है ना, क्या क्या खाए क्या क्या खाए। और आज सुबह तो दाल बनाया था, तो इतना मस्त खुशबू आ रहा था ना दाल का, सच्ची में। बच्चे लोग अच्छा लगा आपको वड़ा पाव? मजा आ रहा है? अंजलि क्या चल रहा है आपका स्कूटी के ऊपर सो के? बज रहे शाम के 6:45 भाई, आसमान में चांद नहीं निकला है, लेकिन यहाँ पर हमारा चांद निकल गया है। और हमने गूगल पे चेक किया, मुंबई में चांद निकलने वाला है 9 बजे के करीब, लेकिन क्या, लेकिन इधर पानी पीने के लिए मन तरफ रहे है, पानी पीने के लिए मन तड़प रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ मज़ा भी आ रहा है। और एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को ये लगता है कि मैंने करवा चौथ का उपवास सिर्फ इसलिए रखा है कि रागिनी ने भी रखा है, या सिर्फ इसलिए कि कूल डूड बनने के लिए कि वाह क्या पति है, अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ का उपवास रखा है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं ये करवा चौथ का उपवास इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पति पत्नी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। ये मेरे लिए उपवास रखूँगी, मैं इसके लिए उपवास रखूँगा, तो दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो और मजबूत होगी, और हमारे बीच के लिए प्यार है वो थोड़ा और गहरा होगा। तो रागिनी जी क्या अपडेट है अपना, क्या बनने वाला है? मन में भात बन गया है, टू में छोले का सब्जी है, थ्री में खीर, अच्छा थ्री में खीर, चौथा में पूरी। हम लोगों ने ठंडा पानी फ्रिज में रखा हुआ है क्योंकि ठंडा पानी पीने का मजा अलग होता है। जब बहुत देर बाद पानी से पूरा भर के रख, पूरा पूरा भर दो, किसी को कान कान पता नहीं चलना चाहिए कि हम छिपा के रख रहे हैं पानी। ये ठंडा पानी फ्रिज में रख देंगे और जैसे ऊपर छूटेगा वैसे हम दोनों पहले ठंडा पानी पियेंगे। सर उनको पानी की सवाल ही नहीं उठता है, सब कुछ पहले पानी पिएगा, सवाल ही नहीं उठता है। पहले तेरे को ही पिलाऊंगा उसके बाद ही मैं पीऊंगा, ऐसा हो सकता है कि पहले मैं पी लूंगा उसके बाद हम आपको पिलाएंगे पानी। तो वो तो बाई डिफॉल्ट होगा, तो मुझे नहीं बोलती तो भी मैं पहले तेरे को पिलाता बाद में मैं पीता। लेकिन आप 3-4 बजे खा लिए और हम पानी तक नहीं पी, 3-4 बजे वो रात को, तो तूने ही बोली थी ना कि रात को 4 बजे के पहले खाना ना। लेकिन आप जिस टाइम से गलत करा, तो मैं काम पर जगह रहता हूँ, फोन करना चाहिए था ना कि रानी थोड़ा पानी पी लेने के 2 बजे से। मैं सोच रहा था कसम से गॉड प्रॉमिस के तेरे को फोन करो, तेरे को बोल रहा कि कुछ खा पी ले, लेकिन मैं बोला अभी तो सो ही रहेगी, तो बोला अभी फिर डिस्टर्ब करूँगा, फिर तो फ़ोन उठाती नहीं है। कल अच्छा मैं कल ऑफिस से आया तो मेरा फ़ोन उठाया, अंजलि लगाई मेहंदी, बोले चाची तो मैं मेहंदी लगाती हूँ तू सो जा, बोले ठीक है ये लगाए बस। तो मेरे को भी निकाल देती तेरा नाम, बहुत रागिनी ये है, मेरा नाम बराबर निकाली पर मेरे को नहीं तेरा नाम निकाली है ना। ऐसे भी तो प्यार करती हूँ, तो आज निकालना चाहिए था, आज पहली बार बोली रागिनी कैमरा के सामने। हाँ क्या आपका नाम मेरे तरफ, आपके हाथ में हम अपना नाम लिख दिए, दोनों आदमी के हाथ में है कि नहीं। ये आपका नाम हुआ तो ये मेरा हो गया, ये मेरा नाम है तो ये आपका हो गया, बराबर हो गया ना। लेकिन इधर ना आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ना लोग सिर्फ दिखावे पे जाते हैं कि लोग कैसे दिखते हैं, कितना पढ़े हैं, क्या है उनके बोलचाल का तरीका कैसा है, क्या वो प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करते नहीं करते। लेकिन कोई भी आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में सादगी को नहीं दिखता, इंसान के दिल को नहीं दिखता कि इंसान कैसा है, उसका दिल कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, वो कैसे लोगों के साथ बातचीत करता है, डील करता है, बुरे से बुरी सिचुएशन में क्या वो साथ देता है या साथ छोड़कर भाग जाता है। वो गाना है ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तो क्या वो सिर्फ सुख में ही साथ निभाता है और दुख में भाग जाता है। लोग ये सब नहीं दिखते, लोग सिर्फ ऊपर ऊपर के, ये सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, कैसे है कैसे नहीं, दिखावे की ज़िंदगी कैसे होती है, रियल लाइफ में लोग कैसे हैं, क्या लोग आपको मुश्किल में साथ दे रहे नहीं दे रहे, लोग हंसी खुशी रहते हैं आपके साथ नहीं रहते। भाभी जी हमारी ऐसे बोल रही है कि चाँद निकल चुका है और वो गेट के बाहर से दिखाई दे रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं गेट के बाहर देखने के लिए क्या ये खबर सही है या नहीं। चलिए अंजलि क्या चांद निकल गया सच में? हाँ। आपने देखा, कहाँ से देखा आपने? गेट से बाहर से। क्या आपकी ये खबर सही है? हाँ मला माहिती बराबर। अगर आपकी ये खबर सही हुई तो आपको एक पक्का इनाम मिलेगा, ठीक है? अगर आपकी खबर ये झूठ निकली तो आपके गले में से सारे पैसे निकाल दिए जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है भाई। बच्चा लोग जाओ मम्मा को खबर दे दो, सारे सोल्जर्स मम्मा को खबर दे दीजिए कि चांद निकल गया है। अरे उधर 9:15 बजे चांद निकल गया। रुक जाइए बेटा, रुक जाइए, सबर रखिए। ऐसा लग रहा है आप ही ने करवा चौथ का उपवास रखा है। चलिए भाई सर हम सामने खड़ा रहेगा, उसको ऐसा टीका लगाने का, चावल डालने का, पैसा दिया इसमें रखता है ना, इधर नहीं मुँह करना दिया है। चांद को देख रहे तब इनको देखिए। हाँ एक तरफ से तू मुझे देखना है, एक तरफ से मैं तुझे देखूंगा। सब छोड़ के भाग रहा है इससे। याद ही नहीं रहा मेरे को यार, वो काम खत्म पैसा हजम वैसा कहानी हो गया कसम से। टाइम हो रहा है 12:15, हम लोग का खाना पीना शुरू हो गया भाई, और अभी इस ब्लॉग को समाप्त करने का टाइम आ गया है। बाय, टेक केयर। एक बार दोबारा आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके प्लीज़ बताएं कैसा लगा। इफ यू न्यू डू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन। सो बाय, टेक केयर।